ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो जाएगी और अब क्या कहेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। अब हमने पूछा भी था जो नेता हमारे साथ, जो प्रवक्ता हमारे साथ, क्या खुलासा करने वाले राहुल गांधी, उन्होंने कहा सस्पेंस है, आप लगातार देखते जाइए कि क्या होता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सभी के निकाह हैं कि आखिर बधाई देते हैं या बधाइयां लेते हैं, क्या बात करते जी आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद में हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी आप से बातचीत करेंगे और हमारे बीच में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्यों ये इसको नहीं डाला शायद? रेस्पेक्टेड हेलो मैडम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं, तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है, ये उनकी राजनैतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा, सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला, बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना।
हमने इसी को 5 न्याय और 25 गारंटी का नाम दिया और इसी के आधार पर हमने गारंटी कार्ड बनाया। हमारे कार्यकर्ता उसे लेकर घर घर पहुंचे और लोगों को संपर्क करे। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात है वो भाजपा नेतृत्व की अहंकार की वजह से हुई। उन्होंने धीरे धीरे सारे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर गैर कानूनी तरीके से कब्जा करने की कोशिश की, फिर इनका उपयोग विरोधी दल के खिलाफ करने लगे। जो दब गया उसे दबा के अपने तरफ लिया, जो नहीं दबे उसकी पार्टी को तोड़ दिया, नहीं तो फिर जेल में डाल दिया। लोगों को ये विश्वास हो गया था कि मोदी जी को एक मौका और मिला तो अगला हमला संविधान पर सीधा होगा और लोकतंत्र पर होगा। इसीलिए लोगों को इसके प्रमाण नए संसद सत्र के साथ ही दिखेंगे। खुशी इस बात की है कि भाजपा इस षड्यंत्र में अब सफल नहीं हो पाएगी। मैं इस अवसर पर CPP चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का विशेष मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इन्होंने दिन रात बराबरी से पूरे देश में कैंपेन किया और हमें एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने के लिए भारी मदद इन्होंने की। और मैं ये कहूंगा कि इनके वजह से हमको बहुत बड़ा कम वोटिंग परसेंटेज अगर बात की जाए तो भिंड की सीट पर सबसे कम वोटिंग परसेंटेज था। फूल सिंह बरैया MLA थे, उनको टिकट दिया लेकिन संतोष नहीं मिल पाया। यहां पर कांग्रेस को ग्वालियर की बात कर लेते हैं, गुना की बात करते हैं। हॉट सीट है ये तो सिंधिया यहां से मैदान में, और उम्मीदें कई सारी लगाए हुए थे, हालांकि उम्मीदों पर खरे भी उतरे क्योंकि सबकी निगाहें इस बार साफ की बात थी। साफ की बात है। ये तस्वीर, मुस्कुराती हुई तस्वीर जरा देख लीजिए, कितने मुस्कुरा रहे, कितनी मुस्कुराहट जो है वो नजर आ रही है। क्यों मुस्कुराहट नजर आ रही? पिछली बार हार गए थे और इसलिए इस बार कह दिया था, अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया गया था कि भैया काम पर ध्यान दो, यहाँ पर चेहरा दिखाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार झटका लगा था और झटके साख जो दाव पर लगी थी, खट्टे जो होकर के आए थे बीजेपी में, उस समय से ही इस चुनाव पर खास तौर पर सबकी निगाहें थी। और सबकी निगाहें दर्ज की है। ये यहां से मध्य प्रदेश से सागर की हम बात करते हैं। यहां से डॉक्टर लता वानखेड़े जीती है, साथ ही साथ इनके सामने कौन थे? चंद्रभूषण सिंह, ये हार गए हैं। एक और सीट टीकमगढ़ की रिपीट किया था वीरेंद्र कुमार, लगातार जीते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जीते रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने जीत दर्ज की टीकमगढ़ में। राहुल सिंह लोधी बनाम तरवर सिंह लोधी। ये तरवर सिंह लोधी आपको याद है, तरवर सिंह लोधी वही हैं जो बात कहते कहते प्रचार के दौरान मंच से रोने लग गए थे और जीतू पटवारी ने खूब गले लगाया था। तो ये तरवर सिंह लोधी की तस्वीर देख लीजिए, इस बार थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि नतीजे इनके पक्ष के नहीं है। अभी भी शायद गला लगाने की बारी है, फिर से गले लगाना पड़ेगा। खजुराहो का हॉट सीट, यहां से प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा मैदान में थे, ये जीत चुके हैं। RB प्रजापति इनके सामने थे और अब इन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है, लाखों के वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। और बड़ी बात यह है कि मेरी सहयोगी जो है ऋतु जो है वो VD शर्मा से मुलाकात करके आई थी, उनसे कैसा चुनाव कैंपेन चल रहा है सब कुछ आप बात करके आई थी, तो तब कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। हाँ, उनकी जो तैयारी में देख रही थी, दिन भर वो लगे हुए थे काम में, उनके चेहरे पर थकान जो है नजर नहीं आ रही थी, बिना खाए बिना पिए जो लगे हुए थे वो काम में, वो मैंने देखा था खुद। मैंने 16 घंटे तक उनके साथ रही, एक एक जो वो सभा कर रहे हैं जहां लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, तो वो सारी चीजों पर हमने बात की थी और देखा था उनका डेडिकेशन। बिल्कुल डेडिकेशन। और देखिए गणेश सिंह बनाम सिद्धार्थ कुशवाहा, ये विधानसभा में भी लड़े थे लेकिन हो नहीं पाया कुछ। और देखिए यूपी में 4 केंद्रीय मंत्री हार गए, बड़ी खबर, स्मृति ईरानी, अजय मिश्रा, टेनी, ये हार गए हैं, इन्होंने अपनी सीट नहीं बचा पाए। महेंद्रनाथ पांडे ये भी हार चुके हैं, ये बड़े बड़े नाम अगर हार गए हैं तो सोचिए क्यों ऐसी स्थिति बनी। कौशल किशोर ये भी हार चुके हैं, ये बड़े बड़े नाम अगर हारी हुई लिस्ट में आएंगे पुनीत तो कई सारे सवाल खड़े होंगे लेकिन अपनी सीट नहीं बचा पाए। अजय मिश्रा टेनी, देखिए चार नाम आपके सामने हैं।
ये केंद्रीय मंत्री चुनाव हार चुके हैं, पूरे जोश में थे, हाई जोश के साथ मैदान में उतरे कि हाँ हम हमारी जीत तो पक्की है, कुछ भी हो जाए हमने काम किया है या नहीं किया वो तो सब ठीक है, पर जो चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है उससे हमारी जीत पूरी तरह से पक्की है, पर ऐसा होता दिखाई नहीं, ऐसा होता नजर नहीं आया। और ये झटका है सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए झटका है, क्योंकि अगर अपनी साख नहीं बचा पा रहे हैं केंद्रीय मंत्री तो फिर बहुत बड़े सवाल खड़े होंगे। इसके अलावा भी तमाम जो है खबरें आ रही हैं, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी से, अजय मिश्रा टेनी भी हार गए, ये बड़े बड़े चेहरे हैं, और स्मृति ईरानी की अमेठी से हार को लेकर मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया पर अब मीम्स की बाढ़ आ जाएगी, खूब बाढ़ देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह के उनके दावे और जैसी प्रतिक्रियाएं वो देती आई हैं, हमेशा आप उनको देखते होंगे कि एक्टिव तो रहती हैं पर जैसी प्रतिक्रियाएं वो देती हैं उस पर खूब ट्रोल भी वो होती हैं, और अब मीम्स बनना भी शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल मीम्स बनना शुरू हो गए, लेकिन ये देखिए चार नाम आपको बता रहे हैं, चार केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में चार केंद्रीय मंत्री हार गए, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त। इसके अलावा भी एक और खबर कुछ देर पहले आई थी, एक केंद्रीय मंत्री और इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के दफ्तर की, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, जयराम रमेश यहां पर